आ जाओ, फ्री के डायमंड, आओ, दाना दूंगा दाना, आ जाओ, फ्री के डायमंड, जल्दी आओ, सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डील है, 2 मिनट की डील, जल्दी आओ। पैसा ही पैसा हो गया। अबे काम है माइनक्राफ्ट का, बहुत समझता था इस बॉर्डर को, जा यार जा, मुझे नहीं मार पा रहा यार, जा भाग यहाँ से साला नूबड़ा कहीं का, चल निकल, ये ले खा। ओए 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 ओए, सॉरी, माफ़ कर दो भैया, माफ़ कर दो मारना। तो आज से कुछ टाइम पहले माइनक्राफ्ट की एक नई अपडेट आई थी जिसका नाम था माइनक्राफ्ट 1.20। अच्छा, अब वो अपडेट आई है तो वो अपडेट अपने साथ कुछ मिथ को भी लेकर आई है, जो कि आज मैं मिथ आप लोग के साथ ट्राई करने वाला हूँ और अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और देखेंगे क्या वो मिथ कंफर्म है या पे बस्टेड है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी, उम्मीद करते होंगे आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आया हूँ माइनक्राफ्ट की एक और नई और अनदर वीडियो लेकर। तो जी हाँ, आज मैं ट्राई करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मिथ जो कि अभी तक मैंने खुद भी नहीं सुने और खुद भी ट्राई नहीं करे। क्या बोला तूने? लेकिन मेरे दोस्त ने ये मिथ दिए हैं और उनने कहा इस मिथ को ट्राई करके बताओ क्या ये मिथ वर्किंग है। वो लोग ने भी ट्राई नहीं करे, वो लोग भी बस ऐसे ही बता रहे थे मुझे, लेकिन मुझे उनकी बातों में ना यकीन नहीं हो रहा था। तो अब यकीन, उनने कहा यकीन करना है तो खुद ट्राई करके चेक कर ले। मैंने भी कहा चलो सही है, ट्राई कर लेंगे, ट्राई करने में क्या जा रहा है। कैसे दिया आपको? तो अब हमारी जो मिथ वन है वो ये है। अब जो हमारी मिथ वन कहती है वो ये है कि हमारा जो कैमल है ना वो 50 ब्लॉक तक का डैमेज सहन कर सकता है, यानी कि हमारा प्लेयर भी शायद से 50 ब्लॉक का डैमेज नहीं ले सकता। तो अभी जल्दी से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पूरे के पूरे 50 ब्लॉक ऊपर, और ये 50वां ही ब्लॉक है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। तो बस इस पे अब मुझे बैठना है और बस इसको कुदाना है। तो 3, 2, 1, लेट्स गो। ओ भाई, ओ माय गॉड, अबे इसके तो फिर भी अभी 4 हार्ट्स, 5 हार्ट्स बचे हैं भाई। वाह यार, ये पूरे के पूरे 50 ब्लॉक का डैमेज सेंड कर गया, और देखो कितनी तेज़ चलता है यार, इतना तेज़ हमारा घोड़ा भी नहीं चल रहा यार। ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब ये बैठता है ना, अभी बैठेगा देखना। मिथ नंबर टू, अब ये जो मिथ नंबर टू है इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ल्ड क्रिएट करते हैं सीड का ऑप्शन में, अगर हम लोग चेरी ब्लॉसम लिखें तो हम लोग स्पॉन होने वाले हैं चेरी ब्लॉसम बायोम में। ये मिथ थोड़ी सी मुझे वो लग रही है, ये वर्क नहीं करेगी, देखते हैं वर्क करती है नहीं। अगर ये वर्क कर गई तो आप लोग इस पर इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को। तो यहाँ पे बस ये हो चुका है वर्ल्ड क्रिएट और ये मिथ कन्फर्म्ड है भाई। चलो भाई, ये मिथ बस थोड़ी सी बायो में, लेकिन इसके थोड़े बहुत आसपास अगर आप लोग ट्रैवल करोगे तो एक बड़ी बायो भी नज़र आएगी, और इसके आसपास ही विलेज भी है, और इसके आसपास एक और बायो में, वो बायो का मैं नाम थोड़ा भूल चुका हूँ। तो ये हमारी मिथ पूरे पूरे कन्फर्म्ड है। तो अब हम चलते हैं अपने मिथ नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारी मिथ नंबर 3 है, अब ये मिथ के अकॉर्डिंग ये मिथ कहती है कि जो हमारा कैमल है वो 10 ब्लॉक तक जंप कर सकता है। इस पर मैं तो यकीन नहीं करता यार, 10 ब्लॉक तक कोई मॉब जंप नहीं कर सकता हमारे अलावा, नहीं मैं भी जंप नहीं कर सकता, नहीं यार ये मिथ बस्टेड ही होगी। तो जल्दी से मैं 10 का गड्ढा बना दूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब ट्राई करते हैं भाई, मुझे मैं कब से फेल हो जा रहा हूँ, या तो ये ट्रिक ये मिथ वर्क करता होगा लेकिन मेरे लिए ये बस्टेड है मिथ। तो ट्राई लास्ट बार, और ये भागता हुआ आया और कर ली 8 ब्लॉक की जंप कर ली। मैं तो समझ रहा था नहीं कर पाएगा, अब 10 ब्लॉक। चलो भाई ये 10 ब्लॉक पूरे हो गए, तो अब मैं कर लेता हूँ जल्दी से, यहाँ पर लावा लगा दे रहा हूँ। तो ओके, लावा लगा दिया है मैंने, और इसको थोड़ा बहुत ठुसा देते हैं ताकि इसकी हेल्थ पूरी हो जाए। वैसे खाने का साउंड इसका इफेक्ट कैसा है यार, खाने का अजीब सा, बिल्कुल अजीब सा। तो अब 3, 2, 1, ओ मैं चल साइड साइड में से भाग कर आ गया यार।
तो ये 3 2 1 ज्यादा ज्यादा ब्लॉक की जंप नहीं कर पाया, लेकिन ये कि आपको बैठ के ना 10 ब्लॉक पार करवा देगा। तो हमारी मिथ नंबर पिछले से अगला बस्टेड है। अब जो हमारी अगली मिथ है, मिथ नंबर पिछले से अगला, वो मिथ ये कहती है कि हम लोग कैमल पे बैठ के किसी भी मॉब को मार सकते हैं और वो मॉब हमें ज़रा सा डैमेज नहीं दे पाएगा। क्या मैं सच में काम करती है ये? ट्राई कर लेते हैं भाई, जल्दी से हम निकालते हैं अपने ज़ॉम्बी। तो ज़ॉम्बी मैंने निकाल लिए हैं, वैसे तो मुझे पहले से पता था, लेकिन ये वार्डन तक पे काम करती है। तो यहाँ पे मैंने 2 flash time set 10 IG ST night। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बहुत ज़्यादा स्पॉन करता हूँ और इस पर बैठता हूँ, अपना गेम और सर्वाइवल करता हूँ। देखो बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फ्री के नोट फ्री के नोट फ्री के नोट फ्री के नोट, फ्री का पैसा, फ्री का पैसा ले लो, फ्री का पैसा, फ्री का पैसा ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फ्री का पैसा, फ्री का पैसा, आओ 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 आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, वरना माल ख़त्म हो जाएगा। ये सारे आ रहे हैं भाई फ्री का माल लेने, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ओए मैं खुद गिर गया, मुझे अपना रास्ता बनाने दो। ऑटो चलो, यार मैं फंस गया। चलो नीचे जाओ नीचे जाओ, आओ हम आज इसको वार्डन सिटी तक लेके जाएंगे। तो बस ख़त्म, जाओ भागो यहाँ पे, फ्री का माल नहीं मिल रहा किसी को। तो अब बारी है वार्डन को समन करने की। तो ये मैंने करा स्लैश समन वार्डन, और यहाँ पे वार्डन कहाँ गया है? तो माइनक्राफ्ट का बॉस। तो ये मैंने कर दिया इसको स्पॉन। तो अब मैं जाता हूँ सर्वाइवल मोड में, तो देखते हैं मुझे मार पाता है। डार्कनेस तो लगा दी इसने मुझे, अब मैं इसे बैठ के भाग सकता हूँ। वाह यार, ये ऐसे ना अपने याले अटैक करेगा और आप इसको बैठ के मार सकते हो। ये इसने बस आपके कैमल को मार दिया, मैं इस पर आ जाता हूँ, ये कैमल का हार्ट खा जाएगा बस ये। लेकिन आप लोग ये आपका डैमेज सर्वाइव कर जाएगा, तो मैं इसको मार कर आया। जो आज की जो हमारी मिथ है वो सेकंड लास्ट मिथ है। अब ये मिथ जो है वो हमारी वर्क क्या करती है, मतलब कि जो हमारे पहले साइन बोर्ड थे वो पहले वो हमारा टूट जाते थे। मैंने ये 2 साइन बोर्ड लिए जो हमारे याले साइन बोर्ड थे, लगाने से टूट जाते थे जो पुराने थे। मतलब कि देखो, जैसे मैंने ऊपर करा ओके ऐसे लगाया, अब मैंने इनको लगाया और इनका पीछे वाला ब्लॉक तोड़ा, तो ये भी टूट जाएंगे। लेकिन वहीं पे जो हमारे हैंगिंग साइन बोर्ड आए हैं उसको हम हवा में भी लगा सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हो, यह हवा में लग रहा है। और उस पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, वो आप लोग को ज़रूर करना पड़ेगा जो मैं इस पर लिखूँगा। तो एक और जो हमारी लास्ट मिथ है वो मिथ बड़ी टायर्ड है, मतलब कि जैसे कि अब लेदर आर्मर है, वो लेदर आर्मर यूज़लेस होता है, लेकिन उस लेदर आर्मर को आप लोग रंगीन कर सकते हो। जैसे कि हम लोग लगा लेते हैं लेदर आर्मर, यहाँ पे हम लेदर की चेस्ट प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं रेड डाई। ओके तो हमने ले ली यहाँ पे रेड डाई, आई नहीं अभी तक, ये आ गए हमारी रेड डाई। और हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉल्ड्रॉन। अब ये जो मिथ है ये कहती क्या है कि ये जो हम लोग पहले जो पहले हम लोग कलर करते थे, यानी कि हम लोग लेदर आर्मर को, उसके बाद हम लोग शायद से पहले उसका कलर रिमूव नहीं कर सकते थे, लेकिन 1.20 की अपडेट के बाद से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ये लगाया मैंने, क्राफ्टिंग टेबल लेनी पड़ेगी यार, ये क्राफ्टिंग टेबल ली मैंने, यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे ये लगाने के बाद हमने ले लिया रेड चेस्ट प्लेट। और अगर मैं पहन के मैंने गलती से अंदाजा, सच बताओ यार कूल लग रहा हूँ ना, सही लग रहा हूँ ना, ओए होए होए होए, ये लग रहा हूँ ना मैं भाई। अब इसको हम लोग रिमूव करने वाले हैं, यानी कि ये कलर अब मैं रिमूव करूँगा। मैं इस पर पानी डाला ओके, और अगर मैं इस लेदर चेस्ट प्लेट को लूँ अपने हाथ के अंदर और इस पर करूँ तो सच में रिमूव हो गया। मिथ कन्फर्म्ड, मिथ भाई कन्फर्म है, ये तो वर्किंग मिथ है। चलो भाई बहुत बहुत अच्छी मिथ मिल गई मुझे। तो यार आज की सारी मिथें वैसे कन्फर्म लिखनी है। हाँ दो दो तीन मिथ हैं जो कि हमारी बस्टेड निकली है, लेकिन अगर आप लोग के पास भी ऐसी कोई मिथ है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो मिथ ट्राई करूँगा, ज़रूर ट्राई करूँगा जो कि हमारी अगले आने वाली मिथ की वीडियो में होगी। तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मैं आप लोग को बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।